नमस्कार दोस्तों, न्यूज नेट नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलेश मेश्राम। जी हां दोस्तों, नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा होते ही पूरा वातावरण जो है वो चुनाव में हो चुका है। इसी समय को मद्देनजर रखते हुए आज हम कई कांग्रेसी जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश चौधरी जी, उनके साथ बात करते हैं कि कांग्रेस की एजेंडा क्या है और उनका क्या कहना है महानगर पालिकाओं के चुनाव के बारे में। सर, न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस का नागपुर महानगर पालिकाओं के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए क्या एजेंडा है? देखिए, ऐसा है, एजेंडे में हम लोग एक्चुअल में हमारी जो सबसे पहल है तो पहल हम लोग पानी के बिलों पे, इलेक्ट्रिक के बिलों जो बढ़ के आ रहे हैं। इनकी जब से गवर्नमेंट बैठी हुई है तब से जिस प्रकार का वातावरण पूरे शहर में बना हुआ है, अभी मेरे साथ में ये दो प्रत्याशी भी है, हम लोग सब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और हम लोग एक एजेंडा लेके चल रहे हैं कि स्लम के लोगों को डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरह से ये पानी के बिल के माध्यम से बोलिए, टैक्स के माध्यम से बोलिए या इलेक्ट्रिसिटी बिल के माध्यम से बोलिए, जो लूट मची हुई है इन चीज़ों को रोकने का प्रयास लेते हुए और इसी प्रकार का जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है उन डेवलपमेंट को करने की एक एजेंडा लेते हुए हम लोग लोगों के बीच में जा रहे आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जगह जगह पे पहुंच के इन चीज़ों को बता रहे हैं कि किस तरह से नागपुर महानगर पालिका में लूट मची हुई है। क्योंकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक बहुत छोटा सा एक किस्सा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे जो पानी के बिल टैक्सेशन का जो विषय है तो वो इस तरह से बढ़ा हुआ है कि चंबल के डाकू इनसे बेहतर थे कि कम से कम वो आते थे, सोना चांदी लूट के ले जाते थे। तो सर, इन्होंने ऐसा कहना है कि चंबल के डाकू इनसे काफी अच्छे बेहतर थे। तो इन्होंने एक सवाल एक और पूछना है कि झुग्गी झोपड़ियों के जो भी पट्टे का जो भी वाटा है उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास में इसके पूरे रिटर्न्स में पेपर है। 2012 में मैंने खुद इन चीज़ों को कलेक्टर के पास में लेटर दिए हुए हैं, मेरे लेटर हेड्स के ऊपर में कलेक्टर्स से मुझे जो लेटर हुए हैं उनके पूरी प्रत कॉपी मेरे पास में रखी हुई है। कई लोगों के फॉर्म्स हम लोग इसके पहले ही भरवा चुके हैं जिनके ऑर्डर्स 2012 में हो चुके हैं, उसको अभी बीजेपी गवर्नमेंट दिखा के क्या सिद्ध करना चाह रही है हमारे समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये एक तरह से नागपुर शहर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। नागपुर की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कमलेश जी का यहाँ पे मानना है। हमारे साथ दूसरे प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। मैडम, आपका नाम? मैं सरस्वती सलामे। सरस्वती सलामे, और मैं अभी नगर सेवक हूँ, इसी वार्ड से हूँ। इसी वार्ड को, तो यहाँ से अगर आप चुन के आते हैं तो जनता के लिए आप क्या करोगे? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जिस तरीके से स्लम एरिया है और यहाँ पे रोड है, सीवर लाइन की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन आगे और ज़्यादा सुधार हो इसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। और जिस तरीके से नागपुर महानगर पालिका में पिछले 10 साल से बीजेपी की सत्ता है और उन्हें जिस तरह से स्टार बस घोटाला किया हुआ है, जिस तरीके से OCW पानी को बेचा है, कचरे को बेचा है, तो यह सब बेचने का जो इन्होंने ये किया हुआ है, ये बेचने के पीछे इनका एक राजकारण है जी, जो अपनी खुद के जो कंपनीज है, खुद ही कंपनियां अपनी सामने करके उन घोटालों को रख कर खुद अपना घर भरने का जो काम कर रही है बीजेपी सत्ता, इन सब घोटालों को हम उजागर करने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो घोटालों को उजागर करने की बात यहाँ पे मैडम कर रहे हैं। हमारे साथ तीसरे प्रत्याशी जुड़ चुके हैं। मैडम, आपका नाम? मैं राजेश्वरी राव बंदेला। राजेश्वरी राव, तो आपका क्या एजेंडा है इस चुनाव को मद्देनजर? एक्चुअली मैं एससी महिला के तरफ से खड़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी एससी महिला के तरफ से है, जो भी दुर्बल गट के तरफ से है, उनकी मैं अधिकतर सेवा करूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे मैं अभी जो वार्ड का डेवलपमेंट करूँगी और अभी जो मेरे कलीग मिस्टर कमलेश भैया और सलामी मैडम ने कहा है, तो मैं उन्हीं के साथ हूँ और उन्हीं से सहमत हूँ। हम तीनों मिलकर तीनों मिलकर आप काम करेंगे ऐसा ही कह रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंस इनमें दिख रहा है कांग्रेस के पूरे प्रत्याशी। सर, मेरा आपसे एक लास्ट सवाल है कि जनता ने आपको क्यों सुन दिया? देखिए, ऐसा है कि युवा जो होता है वो वायु की तरह होता है, ऐसा मेरा सोचना है। जो रफ्तार से हम लोग काम कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि उस रफ्तार से किसी 70 साल के आदमी से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी 62 साल के बाद में रिटायरमेंट दे देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों से बेहतर डेवलपमेंट करने के लिए और कोई भी टीम नहीं हो सकती। ओके, थैंक यू। न्यूज नेट नेटवर्क के लिए कैमरामैन केशव के साथ मैं नीलेश मेश्राम। आप अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेट नेटवर्क और हमारा चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। राजीव गांधी योजना भी बंद कर